बहुत समय पहले की बात है, एक युवक था जिसे एक बीमारी थी बहुत ज़्यादा बोलने की। वो 2 मिनट भी शांत नहीं रह सकता था। दवाई के रूप में उसका बोलना बहुत ज़रूरी था, अन्यथा उसके शरीर में हलचल होने लगती थी। उसे किसी विषय में हर 2 मिनट में बोलना ही होता था। वो युवक भी इस चीज़ से बहुत परेशान था और सोचता था कि मैं कैसे इससे छुटकारा पाऊँ। वो गुरु की तलाश में बाहर निकला। उसे एक पेड़ के नीचे एक गुरु साधना में लीन दिखाई दिए। उन्हें देखकर वो सोचने लगा कि यही शायद मेरी मदद कर सकते हैं। वो साधना पूरी होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही गुरुजी साधना से बाहर आए, वो युवक उन गुरु के चरणों में गिर गया और बोला कि गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरुजी ने भी उसे अपना शिष्य बना लिया। बाद में गुरुजी को इस बात का पता चल गया कि वो युवक बहुत ही ज़्यादा बोलने की आदत से परेशान है। वो युवक 2 मिनट भी चुप नहीं बैठ सकता है। वो युवक हर रोज़ गुरुजी से एक ही बात पूछता कि गुरुजी, इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। और जब भी वो गुरुजी से ये सवाल पूछता तो गुरुजी चुप हो जाते और कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि गुरुजी को पता था कि शिष्य को ज़्यादा बोलने की आदत है और अभी इसे सबसे बड़े ज्ञान के बारे में बताना व्यर्थ होगा। इसीलिए वो चुप हो जाते और उसे कुछ भी नहीं बोलते। वो शिष्य हर रोज एक पास वाले गांव में भिक्षा मांगने जाया करता था। वहां से भिक्षा मांगता और वहां से जो कुछ भी मिलता उसको आश्रम लेकर आता। गुरुजी को इस बात का पता था कि शिष्य जो है उसको ज़्यादा बोलने की आदत है, इसीलिए गुरुजी उस शिष्य का ज़्यादा ख्याल रखते थे। उसका ध्यान रखते थे कि कहीं वो अपने ज़्यादा बोलने के कारण कभी मुसीबत में ना फंस जाए। एक दिन वो शिष्य एक गांव में भिक्षा मांगने जाता है और एक घर में जाकर भिक्षा मांगता है। अब उसकी ज़्यादा बोलने की आदत तो थी, वो 2 मिनट भी चुप नहीं बैठ सकता था। इसीलिए उसने भिक्षा मांगते समय उस घर में नज़र घुमाई। उसकी नज़र एक भैंस पर गई जो उसी घर के अंदर बंदी हुई थी। और जहाँ वो भिक्षा मांगने गया था उस घर का दरवाज़ा जो था वो छोटा था। तो उस शिष्य ने उस घर के मालिक को कहा कि भाई साहब, आपकी भैंस तो बहुत मोटी है और आपके घर का दरवाज़ा बहुत छोटा है। अगर आपकी ये भैंस मर जाए तो आप इस दरवाजे से इस भैंस को बाहर कैसे निकालोगे। जैसे ही ये बात मालिक ने सुनी, वो डंडा लेकर शिष्य के पीछे पड़ा उसे मारने के लिए, लेकिन शिष्य वहाँ से भाग निकला। अब भला कोई आदमी अपने घर के नुकसान के बारे में कैसे सुनेगा, और वो भी एक भिक्षु के मुँह से। वो शिष्य वहाँ से भागता हुआ एक दूसरे घर में जाता है और वहाँ पर जाकर भिक्षा मांगता है। और वहाँ पर भी वो एक घर में नज़र घुमाता है और वहाँ पर भी वो उस घर के अंदर नज़र घुमाता है कि किस विषय के बारे में इस घर के मालिक से बात करूँ। तभी सामने एक औरत बैठी थी। उस औरत को देखकर वो उस औरत से कहता है कि हे मालकिन, आपने हाथों में इतनी खूबसूरत चूड़ियाँ पहन रखी है, यदि आपके पतिदेव मर जाए तो ये चूड़ियों का तुम क्या करोगी। इतना सुनते ही वो मालकिन भी उस शिष्य पर बड़ा गुस्सा हुई और डंडा लेकर उसके पीछे भागने लगी। उस औरत ने कहा कि एक भिक्षु अपने मुंह से ऐसी बातें बोलता है, एक तो मैं उसको भिक्षा दे रही हूँ, ऊपर से आप मेरे ही पति को मार रहे हो। ऐसा कहकर उस औरत ने भिक्षा भी नहीं दी और उस भिक्षु को अपने घर से बाहर निकाल फेंका। शिष्य को तो ज़्यादा बोलने की आदत थी, इस चक्कर में वो कई बार पहले भी मार खा चुका था, लेकिन उसकी जो आदत थी वो छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब उस शिष्य को उस गांव में कोई भी भिक्षा नहीं मिलती है, इसी वजह से वो उस गांव से दूसरे गांव की तरफ जा रहा था। जब वो जंगल में पहुंचा तो उसे एक मानव की खोपड़ी दिखाई दी। उसने उस खोपड़ी को देखकर सोचा कि भला यहाँ पर किसकी मानव खोपड़ी पड़ी है। यही सोचकर वो मानव खोपड़ी के पास चला जाता है और देखते ही देखते खोपड़ी बोल उठती है। उस खोपड़ी ने कहा कि भाई तुम कौन हो। तभी वो शिष्य थोड़ा सा डरा और बाद में बोला, मैं तो भिक्षु हूँ और भिक्षा मांगता हूँ, लेकिन तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी उस खोपड़ी ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और ज़्यादा बोलने के कारण मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तभी शिष्य ने सोचा कि भला खोपड़ी कैसे बोल सकती है, ये तो सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा है, ये भला कैसे बोल सकती है, और यदि ये बात मैं अपने राजा को बताऊँ तो राजा जरूर मुझे इनाम देंगे। यही सोचकर वो शिष्य दौड़ता दौड़ता राजा के दरबार में पहुंचा।
और राजा को जाकर अपनी सारी बात बताई। सिसे को देखकर राजा को पहले तो लगा कि इसने मदिरा पी रखा है और इनाम के चक्कर में ये इतनी बकबक कर रहा है, लेकिन जब वो सिसे अपनी बात पर अड़ा रहा तो राजा ने कहा कि ठीक है, यदि तेरी बात सच निकली तो तुझे इनाम दिया जाएगा, अन्यथा तुझे फांसी लगवा देंगे। सिसे ने कहा कि महाराज, भला मैं झूठ क्यों बोलूंगा, आप स्वयं मेरे साथ चलकर जंगल में देख लीजिए, आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा। इसके बाद राजा ने आदेश दिया कि 4 सैनिकों के साथ इसके साथ जाओ और अगर इसकी बात सच निकलती है तो इसे अपने कंधों पर बिठाकर लाना, और अगर इसकी बात झूठी निकलती है तो इसको घसीटते हुए राजमहल लेकर आना। अब जैसे ही चारों सैनिक वहां पर पहुंचे तो वहां पर खोपड़ी तो पड़ी थी। सिसे ने उस खोपड़ी से पूछा कि तुम यहां पर क्यों पड़ी हो और तुम यहां पर कैसे पहुंची, तो खोपड़ी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। बार बार सिसे ने यही बात उस खोपड़ी से पूछी, लेकिन खोपड़ी कुछ भी नहीं बोल रही थी, क्योंकि खोपड़ी कभी नहीं बोलती। वो तो पिछली बार किसी ने उस सिसे को बेवकूफ बनाया था। बहुत देर होने के बाद सैनिकों ने उस सिसे को पकड़ लिया और घसीटते हुए राजमहल लेकर चले गए और राजा से आकर कहा कि महाराज, ये तो झूठ बोल रहा था, खोपड़ी तो वहां पर पड़ी थी, लेकिन खोपड़ी भला कैसे बोल सकती है, ये तो मूर्ख आदमी है, इसको तो कुछ भी पता नहीं है। तभी राजा ने आदेश दिया कि इस युवक को फांसी पर लटका दो। इतना सुनते ही वो युवक थर थर कांपने लगा और उसने अपने मन ही मन अपने गुरु को याद किया कि गुरुदेव, आज तो मुझे बचा लीजिए, नहीं तो आज मेरा क्या होगा मुझे नहीं पता, ये लोग मुझे मार डालेंगे। जैसे ही वो शिष्य अपने गुरु से अर्जी करता है तो गुरु को आश्रम में बैठे बैठे आभास हो जाता है कि उनका शिष्य किसी न किसी मुसीबत में फंस चुका है। आज उसका अधिक बोलना ही उसे मुसीबत में डाल रहा है। गुरु भी जल्दी जल्दी अपने शिष्य के पास आते हैं और राजा को जैसे तैसे करके समझाते हैं और उस शिष्य को वहां से छुड़ा लाते हैं और अपने आश्रम आ जाते हैं। तभी वो गुरु उस शिष्य से कहते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ज्यादा मत बोला करो, ज्यादा बोलने के चक्कर में आदमी कभी कभी बहुत बुरा फंस जाता है। तभी वो शिष्य कहता है कि गुरुजी, मेरे से बोले बिना नहीं रह जाता, अब मेरी आदत पड़ गई है, अब मैं चाहकर भी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा हूं। मुझे पता है कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान मिल जाएगा तो मेरा मन अपने आप ही शांत हो जाएगा, मैं तो अपने आप ही चुप हो जाऊंगा, लेकिन आप हो जो मुझे सबसे बड़ा ज्ञान बता ही नहीं रहे, मैं आपको कितने दिनों से पूछ रहा हूं। जैसे उस शिष्य ने यह सवाल किया, गुरु फिर से चुप हो गए और कुछ भी नहीं बोले। वो शिष्य गुस्से में वहां से चला गया और कहने लगा कि गुरुजी मुझे बड़ा ज्ञान बताना ही नहीं चाहते। इसके बाद वो शिष्य एक तरफ जाकर बैठ गया। रात का अंधेरा पड़ गया था, रात हो गई थी, प्रकृति में पाए जाने वाले हर जीव गहरी नींद में चले गए थे। तभी शिष्य आकाश में देखता है कि सभी तारे टिमटिमा रहे हैं और रात की एक शांत आवाज उसे सुनाई देती है जो अंधेरी रात में हमेशा सुनाई देती है। तभी शिष्य को धीरे धीरे एक आभास होता है, उसे एक आवाज सुनाई देती है, वो आवाज थी मौन। यह सुनकर उसका मन एकदम प्रसन्न हो गया, वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उस दिन उसका मन एकदम शांत हो गया, उस दिन उसको एक अलग ही शांति का आभास होने लगा और उसको लगने लगा कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान यही है और गुरुजी हमेशा मुझे बताते आ रहे हैं। जब भी मैं उसे पूछता हूँ तो वो शांत हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बोलते थे और यही दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। ज़्यादा बोलने के चक्कर में मैं कई बार मुसीबत में फंसा तो गुरुजी ने ही मुझे बचाया है और गुरुजी ने मुझे हर बार ज्ञान दिया है, लेकिन मैं उस ज्ञान को समझ ही नहीं पाया। तभी वो शिष्य बैठकर पूरी तरह मौन का आनंद लेता है, शांति का आनंद लेता है। उसके बाद वो शिष्य वहां से उठकर अपने गुरु के पास जाकर बैठ जाता है, चुपचाप बिना कुछ बोले। तभी गुरु को पता चल जाता है कि शिष्य ने मौन को देख लिया है, कि शिष्य को मौन मिल गया है। तभी वो गुरु उस शिष्य से कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान मौन नहीं है, लेकिन उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए मौन ही रास्ता है। सबसे बड़े ज्ञान को पाने के लिए हमें मौन से होकर गुजरना पड़ता है, सबसे पहले हमें मौन होना पड़ेगा, तभी हम सबसे बड़े ज्ञान को पा सकते हैं। उसके बाद गुरुजी कहते हैं, इस दुनिया का कोई भी शब्द मौन से बड़ा नहीं हो सकता, मौन एक तपस्या है,
मौन एक साधना है, इस मौन को हर कोई धारण नहीं कर सकता, और जिसने इस मौन को धारण कर लिया वो दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के अंतिम चरण पर पहुंच जाएगा, सबसे बड़े सुख के चरम पर पहुंच जाएगा। उसके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं रहेगा, सब सवाल खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, शून्य बचेगा, एक बिंदु बचेगा, बस उस बिंदु में ही जलता है असली बोध का दिया। ये सुनकर वो शिष्य कहता है कि गुरुजी, आखिर मैं हमेशा मौन कैसे रहूं? जब भी मैं मौन रहने की कोशिश करता हूं तो मेरा मन एक जगह लगता ही नहीं है, मेरे मन में हजारों विचार आते हैं। मैं जितना चुप होने की कोशिश करता हूं उतना ही मेरे मन में ज्यादा विचार आते हैं, ऐसे में मैं करूं क्या? उसके बाद गुरुदेव ने कहा, मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। जब तुम ध्यान करने बैठो तो मन को किसी तरह शांत करो, जैसे ध्यान के समय में अपने मन को सांस के साथ बांध लेना है, जैसे सांस बाहर जाती है उसके साथ मन को बाहर, और जैसे सांस अंदर आती है तो उसके साथ मन को अंदर। धीरे धीरे इसका अभ्यास करते जाओ, इसी तरह धीरे धीरे आपका मन भी शांत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ध्यान के समय ही ऐसा करो, जब भी तुम कुछ काम कर रहे हो या फिर कहीं जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, उस समय मौन रहकर अपनी सांस पर ध्यान दो, अपने मन के अंदर की आवाज़ को सुनो, सांस की आवाज़ को सुनो और उसी के साथ अपने मन को जोड़ दो, और ध्यान से सुनो कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आप जो भी कहने के लिए इतने बेचैन हैं उसकी जगह आप क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं, उस पर ध्यान दो। धीरे धीरे आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। फिर गुरु शिष्य से कहते हैं कि अकेले में अपने साथ समय बिताओ। जब भी तुम अकेले में अपने साथ समय बिताओगे तो तुम अपने बारे में जान पाओगे। इसके लिए तुम किसी शांत जगह पर चले जाना और कुछ नहीं करना, बस जहां तक हो सके चुप रहना और तुम्हारे मन में चल रही गतिविधियों पर ध्यान देना। ऐसे में धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम्हारे ज्यादा बोलने की जो आदत है वो भी छूट जाएगी। फिर गुरु शिष्य से कहते हैं कि जब भी कभी आपको बोलना पड़े, किसी को जवाब देना पड़े, तो पहले याद कर लो कि क्या बोलना है, उसके बाद कम से कम 5 सेकंड तक रुक जाओ और फिर आगे वाले को जवाब दो। इससे तुम्हारे ज्यादा बोलने की आदत भी कम हो जाएगी, और जब तुम्हारे पास बोलने को 2 बातें हो तो तुम उनमें से एक ही बात बोलो, और यदि तुम्हारे पास बोलने के लिए 3 बातें हो तो उसमें से 2 ही बातें बोलो। धीरे धीरे ज्यादा बोलने की आदत चली जाएगी। फिर गुरु शिष्य से कहते हैं कि कभी भी फालतू मत बैठो, क्योंकि फालतू दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। फालतू रहने पर दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ फालतू के विचार चलते ही रहते हैं, इसीलिए जब भी तुम फालतू रहो तो कुछ ऐसा काम करो जिसमें तुम्हारी रुचि हो। इससे तुम उस काम में व्यस्त रहोगे और तुम्हें फालतू बोलने का समय भी नहीं मिलेगा, इससे तुम्हारी ज्यादा बोलने की आदत छूट जाएगी। बेटा, जिस तरह से ज्यादा बरसना बाढ़ का कारण बनता है, ज्यादा खाना अपच का कारण बनता है, वैसे ही हमारा ज्यादा बोलना हमारी मुसीबत का कारण बनता है। फिर गुरु शिष्य से कहते हैं कि जब भी तुमसे बड़े लोग बात कर रहे हों तो आपको उस समय चुप रहना है, उनकी बातों को बीच में नहीं काटना है, चुप रहकर उनकी बातें ध्यान से सुनना है और बात खत्म होने के बाद ही उनसे कुछ पूछना है, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें बात खत्म होते ही अपने आप ही तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल जाए। हमारे मन को शांत करने से पहले चुप तो रहना ही होगा, जुबान को बंद तो करना ही पड़ेगा। शांति को मुंह से बोलकर और लिखकर नहीं बताया जा सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, और जब तुम मौन होकर अपने ध्यान में उसको अनुभव करोगे तभी तुम्हें उसकी असलियत का पता चलेगा। फिर वो शिष्य गुरु से कहता है कि गुरुदेव, आखिर मौन रहने के फायदे क्या हैं? गुरु मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं कि मौन के तो अद्भुत फायदे हैं, चुप रहकर आप चीजों को ज्यादा सीख सकते हैं, बोलकर तो आप अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि जमा करना खर्च करने से ज्यादा जरूरी होता है। जब आप चुप रहकर सामने वाले के बारे में जानते हैं, उसको सुनते हैं, तो उनसे कुछ सीखते हैं। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, जब किसी से मिलते हैं तो अपने बारे में बात करने लग जाते हैं, अपनी ही कहानी कहने में लग जाती हैं, अपनी परेशानियां अपने दुख रोने लग जाते हैं, जिससे उनको कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है। जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है और वो आपकी इज्जत करता है, वो आपको अच्छा व्यक्ति समझता है,
चुप रहकर आप दूसरों की निंदा करने से बच सकते हैं। जब कोई इंसान आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई करे तो आपको उसकी बातों को सिर्फ सुनना चाहिए, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आपके सामने किसी की बुराई कर सकता है वो आपकी भी बुराई किसी और के सामने जरूर कर सकता है। और यदि आपने उस व्यक्ति की हाँ में हाँ मिला दी और उस तीसरे व्यक्ति को ये पता चल जाता है तो वो इंसान आपको गलत समझेगा, क्योंकि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। इसीलिए चुप रहकर किसी की निंदा करने से बचे। चुप रहकर आप स्थिति को संभाल सकते हैं, लड़ाई झगड़ा रोक सकते हैं। अगर घर परिवार या फिर रिश्तेदारी में कोई आपके ऊपर चिल्ला रहा है तो आप चुप रहकर उसको शांत कर सकते हैं। ज़्यादा बोलने से तो झगड़ा बढ़ता है। हमारे शब्द स्थिति को संभाल भी सकते हैं तो स्थिति को बिगाड़ भी सकते हैं। चीखने चिल्लाने वाले व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं करता, जो शांत रहता है सब उसकी इज्जत करते हैं, सब उनको समझदार समझते हैं। चुप रहकर आप विवाद से बच सकते हैं। व्यक्ति का ज़्यादा बोलना उसे हमेशा मुसीबत में डाल देता है, क्योंकि जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो हमारे मुँह से जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातें निकल जाती है जो एक बड़े विवाद का रूप धारण कर लेती है। वहीं अगर हम चुप रहकर सोच समझकर कुछ बोलते हैं तो विवाद से बच सकते हैं। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं, और जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है सब उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ये तो हमेशा ही बोलता रहता है, इसकी बात में कोई सत्यता नहीं है। क्योंकि जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो एक ही बात को बार बार बोल जाते हैं, और जो व्यक्ति कम बोलता है वो कम शब्दों में अपनी बात को पूरी करता है, जिससे लोग ज़्यादा उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। चुप रहकर आप सामने वाले के मन में क्या चल रहा है उसको अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि इंसान बातों ही बातों में अपना सब कुछ व्यक्त कर देता है। जो व्यक्ति चुप रहता है उसमें ज़्यादा ऊर्जा रहती है, उसके चेहरे पर सूर्य की तरह तेज रहता है, और वो अपने हर काम को आसानी से पूरा कर लेता है। और जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसकी ऊर्जा पूरी की पूरी बोलने में खर्च हो जाती है, और जब वो कोई कार्य करता है तो उसे थकान होने लगती है और वो हमेशा ही तनाव की स्थिति में चला जाता है। अब उस शिष्य को मौन का महत्व पता चल चुका था, उसे दुनिया के सबसे बड़े सुख का अनुभव हो चुका था, उसे असली शांति का अनुभव हुआ। हमें भी अपनी ज़िंदगी में मौन होकर उसका लाभ उठाना चाहिए। इस मौन के अंदर जो शक्ति है, जो शांति है, उसका वास्तव में एक अलग ही अनुभव है, क्योंकि इतने बड़े बड़े संतों ने, भगवान गौतम बुद्ध ने भी इसको सर्वोपरि बताया है, सबसे बड़ा सुख बताया है, ध्यान का पहला मार्ग बताया है। तो हमें भी अपने जीवन में मौन होकर अपने मन को शांत करके इसका अनुभव जरूर करना चाहिए, इसका आनंद अवश्य लेना चाहिए।